है एवरीवन, मैं रागनी स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल रागनीज क्रिएटिव गैलरी में। आज बात करेंगे इस खूबसूरत विंटर प्लांट की। जो एक बार इसको देखता है तो उसका मन इतना मोह लेता है कि वो अपने गार्डन में इसको ऐड जरूर करते हैं। बात करूँ इसके कलर का तो ये काफ़ी कलर में अवेलेबल होता है, पिंक, वाइट, येल्लो, वेरीगेटेड में, और रेड कलर, ऑरेंज कलर, काफ़ी कलर में ये हमें देखने को मिलता है। इसे बस 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप चाहिए, और समर में ये ग्रीन पत्तों के साथ और विंटर में ये रंगीन पत्तों के साथ भर जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये इसके पत्ते ही हैं जो विंटर में कलरफुल हो जाते हैं, और जो ऊपर टिप पे देख रहे हैं वो हैं छोटे छोटे इसके फ्लावर्स। तो इसका नाम है पंसेथिया, जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। जो ग्रीन पत्ते हैं वो धीरे धीरे कलर बदल कर लाल हो जाते हैं, और इसके फूल सिर्फ बीच में छोटा सा होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी विंटर में केयर क्या करनी है। तो बात करूं सबसे पहले कि इसका सॉइल मिक्स कैसे बनाना है। तो इसका आप एकदम वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, और जिसमें पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, और जब भी इसमें आप पानी डालें तो ड्रेनेज होल से तुरंत बाहर आपका पानी आ जाना चाहिए। तो उसके मेरे सॉइल मिक्स में मैंने 50% गार्डन सॉइल, 25% सैंड, आप चाहे तो इसमें कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कोकोपीट का यूज़ आप थोड़ा कम करिएगा। 25% मैंने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ली है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पॉट में लगा देंगे। बात करूं पॉट के साइज़ की तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसको 6 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, और इसकी ग्रोथ आप देखिए कितनी अच्छी है। अगर आपका प्लांट इससे बड़ा है तो आप इसे 8 से 10 इंच के भी पॉट में लगा सकते हैं। अब बताती है कि इसको पानी कैसे देना है। तो ओवर वाटरिंग आप इसको कभी भी ना करें, ज़्यादा पानी देने से ये अपने पत्ते धीरे धीरे गिरा देता है, और सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप इसे कम पानी भी देंगे तब भी ये यही काम करेगा और पत्तों को ये गिरा देता है। तो आप जब भी इसको पानी दें तो ऊपर की जो है टॉप सॉइल को आप उंगलियों से चेक कर लें, अगर ऊपर की टॉप सॉइल सूखी हुई है तो आप इसको पानी दें, और जब भी आप पानी दें उसको बहुत अच्छे से पानी दें, पॉट के ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए। भाई ये प्लांट इतना सेंसिटिव होते हैं कि एक बार अगर ये ख़राब होने लगेंगे तो इसको आप कितनी भी कोशिश कर लें आप इसको सही नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं कि इसको सनलाइट की कितनी आवश्यकता होती है। तो ये सिर्फ 3 से 4 घंटे इसको आप धूप में रखें, क्योंकि ठंडियों के जो धूप होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, तो इसको 3 से 4 घंटे की धूप बहुत पर्याप्त रहेगी। आप चाहें तो इसे इंडोर भी रख सकते हैं, पर ध्यान इस बात का रखें कि इसे खिड़की के पास इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, और 3 से 4 दिन के बाद इसको आप 1-2 दिन के लिए बाहर निकालें ज़रूर। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो इस प्लांट को खाद की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, बस आप विंटर स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर में इसे थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और कुछ लिक्विड खाद दे सकते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो भी अपनी ग्रोथ करेगा और अपने पत्तों का कलर भी चेंज करेगा। विंटर में तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं, पर जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं इसको बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप अपने इस प्लांट को जो है ऐसी जगह रखिए जहाँ और ढेर सारे आपके प्लांट हों, उसके ग्रुप में आप इसको रखिए तो ये ग्रोथ करेगा। और बात कर लेते हैं प्रोपोगेशन की। तो प्रोपोगेशन इसका बहुत ही ईजिली आप स्टेम कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। इसके स्टेम को आप जो है या तो कोकोपीट या आप सैंड में लगा सकते हैं, और इसको आप सेमी सेड एरिया में रखें, साथ पानी का भी ध्यान रखें। तो मुझे ये ब्राइट कलर इसके बहुत पसंद थे, तो मैंने इसके रेड और एक ऑरेंज कलर लिया हुआ है। तो भाई देर किस बात की, जल्दी से ये खूबसूरत पौधा अपने गार्डन में ले आइए, क्योंकि इसकी खूबसूरती जो है सिर्फ 2 से 3 महीने ही आपको देखने को मिलेगी, यानी सिर्फ विंटर में। गर्मी में सिर्फ ग्रीन पत्ते रहेंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी,
मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नए प्लांट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।